दोस्तों, क्या आपके पास भी एक रेडमी का मोबाइल है, एमआई का मोबाइल है और उसमें आप फेस कर रहे हो ब्राइटनेस प्रॉब्लम कि आप जैसे ही ब्राइटनेस को फिक्स करना चाहते हो फिक्स नहीं होता है, अपने आप कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, या तो आप कहीं बाहर जाते हो तो आपका ब्राइटनेस इतना कम रहता है कि आपको कुछ दिखता भी नहीं है, या तो आप घर में आते हो तो आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो बहुत कम ही रहता है, लेकिन आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ब्राइटनेस का। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल के रेडमी मोबाइल के ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और कैसे अपने मोबाइल में ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सही करके बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, ये बहुत ही बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अगर आपका ब्राइटनेस ही सही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी सही तरीके से देख नहीं पाओगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस टाइप का वीडियो सब देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको अपने रेडमी मोबाइल के ब्राइटनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आपके फ़ोन में ये ब्राइटनेस वाला प्रॉब्लम क्यों आ रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इसको अच्छे ढंग से समझ लोगे तो आप इसको सही कर पाओगे, ठीक कर पाओगे और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगा फ्यूचर में। तो आपको मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको जो यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम आता है ब्राइटनेस वाला वो क्यों आता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ऊपर में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर के वजह से आपका ब्राइटनेस जो है कम ज़्यादा या तो कोई भी रीज़न से आपका जो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है वो आ जाता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे करना है कि आपको सेटिंग्स में आकर के स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे एक डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्राइटनेस लेवल करके, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए, अभी मैं जितना रखना चाहता हूँ उतना तो रख लूँगा, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊँगा तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, इसको ऑफ करना है और उसके बाद यहाँ पे सेकंड में सनलाइट मोड का एक ऑप्शन मिलता है, इसको भी ऑफ कर देना है। ठीक है, अगर आपके फ़ोन में सनलाइट मोड का ऑप्शन नहीं है तो सिंपली ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन होगा, ये ऑन होगा ऐसे, तो इसको ऑफ कर देना है। और यहाँ पर सबसे नीचे देखिए स्मूथ एंड ट्रांजेक्शन जो भी है इसको ऑफ कर देना है। तीनों ऑप्शन को आपको ऑफ करके रखना है और जितना ब्राइटनेस आप रखना चाहते हो फिर उतना रख सकते हो, फिर आपका अप डाउन मतलब कम ज़्यादा लो हाई नहीं होगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है, इस तीनों ऑप्शन को ऑफ कर देना है। तो इतना करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे मैं कोई वीडियो लाऊंगा ब्राइटनेस के ऊपर या तो कोई भी मोबाइल के ऊपर तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।